ये मैट समुद्रपुर वासर हड़वा हो रहा है। 6+6 ओवर का मैच है। सलामी बल्लेबाज दीदार रन के आ चुके हैं। कीपर भाई ये तो बाउंड्री पर वो चिन्ह में डाक दी बटन और जो घेरे हैं घेरा है उस घेरे के अंदर सभी खिलाड़ी और दो खिलाड़ी बाउंड्री सीमा रेखा लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन और स्लिप लगा के रखी है। अगली अंपायर का इशारा हुआ अगली गेंद को पॉइंट पे खेलकर दौड़कर एक रन पूरा करते हुए तो एक रनों के साथ खाता खुलता हुआ दीदारगंज का। अगली गेंद लेके तैयार गेंदबाज और इसे गोल कर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क सही तरीके से हुआ नहीं। बाकी का काम फील्डर पूरा करते हुए स्कोरर हमारे छोटे भाई गुलशन बहुत ही पैनी निगाहें इनके मैदानों पे और अगली गेंद का रियल सीप लगाना चाहते थे दौड़कर एक रन पूरा करते हुए। बल्ले पे ठीक तरह से गेंद आई नहीं और चकमा खा गए बल्लेबाज। इरादे साफ है कि कुछ करना चाहते हैं आपसी बल्लेबाजी करना चाहते हैं लेकिन उसमें गेंदबाज की गेंदें घूमती हुई। अगली गेंद लेके तैयार अगली गेंद को जबरदस्त तरीके से उठाकर खेला है और सीधे 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर हैं और बल्लेबाज तैयार अगली गेंद को फिर ध्यान दिया 4 रनों के लिए बहुत ही जबरदस्त छक्का। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं जिनके इरादे काफी खतरनाक रवैया बना चुके हैं क्योंकि अगली गेंद लेके तैयार गेंदबाज अगली गेंद को फिर ध्यान दिया 4 रन बहुत ही जबरदस्त छक्का सीधे समाप्ति पे बढ़ता हुआ इसको और 19 रनों पे स्कोर जा पहुंचा है एक ओवर की समाप्ति पे दीदारगंज का। यह मैच समुनपुर बनाम दीदारगंज के बीच खेला जा रहा है और अंपायर का इशारा हुआ निर्णायक अंपायर विकास सिंह और गेंद लेके तैयार अगली गेंद को जबरदस्त तरीके से लग के बाउंड्री के बाहर 6 रन बहुत ही जबरदस्त तैयार है बल्लेबाज तैयार अगली गेंद लेके और अगली गेंद को कमर पे खेलकर दौड़कर एक रन पूरा करते हुए बल्लेबाज और बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 26 रनों पे बल्लेबाज तैयार और अगली गेंद तो घूम कर मारना चाहते थे लेकिन बल्ले पे सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुई गेंद और दौड़कर एक रन पूरा करते हुए बल्लेबाज तो बढ़ता हुआ स्कोर 27 रनों पे जा पहुंचा है। दूसरा ओवर प्रगत पे है और गेंदबाज तैयार है अंपायर का इशारा हुआ और अगली गेंद को जोरदार प्रहार मारना चाहते थे लेकिन गेंद चकमा खा गए बल्लेबाज और मैच खेला जाए। गेंदबाज इधर तैयार है बल्लेबाज तैयार और ये अंपायर का इशारा नो गेंद दिशाहीन गेंद सीधे कीपर के हाथों में गेंद और गेंदबाज तैयार है बल्लेबाज तैयार अगली गेंद को जोरदार प्रहार मारना चाहते थे गेंद चकमा खा गई बहुत ही अच्छी गेंद शरीर पे और गेंदबाज तैयार है बल्लेबाज तैयार और उनकी गेंद उठाकर मारना चाहते थे वहां पे फील्डर मौजूद खतरा हो सकता था लेकिन वहां पे उतनी बेहतरीन फील्डिंग नहीं। दो ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रनों पे जा पहुंचा है तो पावर प्ले का जो ओवर था वो खत्म हो चुका है के साथ गेंद लेकर गेंदबाज और अगली गेंद को उठा दिया है उसके नीचे फील्डर और यहां पे बेहतरीन कैच पहला झटका लगता हुआ दीदारगंज का और इस तरह से बेहतरीन कैच बाउंड्री सीमा रेखा पे और हमारे बीच क्रीज पे पहुंचते हुए दीपक यादव दीदारगंज के
खिलाड़ी दीपक यादव पुर की तरफ से। और अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ पे खेलकर दौड़कर एक रन पूरा करते हुए तो बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 31 रनों पे। तीसरा ओवर प्रगति है एक विकेट के नुकसान पे दीदारगंज का। और अगली गेंद को उठा दिया चयन। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं दीपक यादव जो कि काफी नाम कमा चुके हैं। गेंदबाज तैयार है अगली गेंद लेके। और अगली गेंद यहां पे पॉइंट और कवर के बीच से निकाले हैं और दौड़कर एक रन पूरा करते हुए और दूसरा रन और अंपायर के इशारे का इंतजार के बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफी बारिश हुई थी इस मैदान को जिन्होंने बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगली गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश और वहां पे गेंद जो है सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और ये इशारा करते हुए कि आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाते हुए दीपक यादव। और गेंदबाज तैयार है उनकी अगली गेंद और इसे और यहां पे आउट। और हल्के हल्के कदमों के साथ अगली गेंद को जबरदस्त प्रहार मारने के गेंद पे पूरी तरह से की गेंदबाजी। और अगली गेंद को उछाल कर खेला है कबर और पॉइंट के बीच में दौड़कर एक रन फिर दूसरा रन पूरा करते हुए और इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 43 रनों पे। चौथा ओवर स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। और अगली गेंद को पूरी तरह से एकदम हवा में उठ गई है गेंद, उसके नीचे फील्डर है और यहां पे कैच जो है ड्रॉप करते हुए खिलाड़ी तो दौड़कर 2 रन पूरा कर गए। बढ़ता हुआ स्कोर 45 रनों पे जा पहुंचा है चौथा ओवर प्रगत पे। ये मैच 6 ओवरों का हो रहा है दीदारगंज बनाम समनपुर के बीच। गेंदबाज तैयार और यहां पे उनकी अगली गेंद सीधे गली और प्रांत के बीच में खेलकर दौड़कर एक रन पूरा करते हुए बढ़ता हुआ स्कोर क्या पहुंचा है 46 रनों पे 3 विकेट के नुकसान पे। बल्लेबाज तैयार, अंपायर का इशारा हुआ अगली गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद सीधे और ओवर समाप्त। तो समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 46 रनों की। और अगली गेंद लेके तैयार हल्के कदमों के साथ और अगली गेंद को उछाल कर मारा चयन। जैसे ही बल्ले पे टकराई गेंद बेहतरीन गेंद और गेंदबाज तैयार अगली गेंद और इसे भी उठाकर मारने की कोशिश। चकमा खा गए बल्लेबाज, बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए तैयार। अगली गेंद को उछाल कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद स्लिप पे फील्ड हुई और एक रन दौड़कर पूरा करते हुए बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है। देखने आए हैं और गेंदबाज तैयार है और इसे पॉइंट पे खेलकर दौड़कर एक रन पूरा करते हुए तो 54 रन बढ़ता हुआ स्कोर। पांचवा ओवर प्रगत पे ये मैच दीदारगंज बनाम समनपुर के बीच खेला जा रहा है। ये मैच 6+6 ओवरों का। अगली गेंद को उछाल कर मारने की कोशिश लेकिन चकमा खाए और दौड़कर एक रन पूरा करते हुए तो बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 55 रनों पे तैयार। और इसे पॉइंट और कवर के बीच में खेलकर और अंपायर का इशारे का इंतजार और आउट। और इस पारी का लास्ट ओवर और गेंदबाज तैयार और बढ़िया गेंद
चकमा खाए बैट्समैन और बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए और गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पे तैयार। ज्यादा तेज गति से दौड़ नहीं रहे हैं और अगली गेंद कटी और जबरदस्त अपील ओवर। तो दीदारगंज को लगता हुआ यह पांचवा झटका 55 रनों के स्कोर पे जा और गेंदबाज तैयार है और यहाँ पे एक रन दौड़ कर पूरा करते हुए 6 और गेंदबाज तैयार है और अगली गेंद दिशाहीन गेंद और वाइट अंपायर का इशारा आता हुआ तो और बल्लेबाज तैयार उनकी अगली गेंद और इसे जोरदार प्रहार जबरदस्त अपील और आउट। अंपायर ने आउट करा दिया। बल्लेबाज तैयार गेंदबाज तैयार और बॉल क्लीन बॉल। तो इस तरह बाज तैयार गेंदबाज तैयार और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद दिशाहीन गेंद और हल्के कदमों के साथ और इसे उछाल कर खेला उसके नीचे और ये दूसरा रन के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे दूसरा रन भी पूरा और शायद रोहित थे उनके हाथों से कैच छूट गया। 60 रनों पे जा पहुंचा स्कोर। तो इस तरह से 61 रन जीतने के लिए चाहिए समुनपुर को। अच्छी बल्लेबाजी।